फिर इस पर बात करते हैं। ताड़ मोदी साहब किस तरह स्टार्टअप की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इंडिया की यूथ के लिए, पहले देख लेते हैं वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त इलेक्शन कम्पेन चल रही है। मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इंडिया की यूथ इंटरेस्टेड है। ताड साहब, पाकिस्तान के अंदर तो रोज़ाना हमले हो रहे हैं। आज एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिस पे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। दो हमारे फौजी शहीद हो गए हैं, 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। ताड़ साहब, हमने तो नॉर्मल चीज़ें करनी थी, लेकिन हम मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। और ताड़ साहब, आज एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं डोनाल्ड लू, वो पेश हुए हैं और वो कहते हैं कि ये जो इमरान खान ने साइफर की इल्ज़ामात लगाए थे, ये कॉन्स्पिरेसी थेरी थी। ये आज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कांग्रेस में इस पर बात कर दी है। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इन इश्यूज़ को? चीमा साहब, डोनाल्ड लू का एक तो आज वो पेश हुए, पेश होने से पहले उन्होंने एक इसका रिटर्न जवाब भी दिया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने अपने ऑब्जर्वेशंस बताई। उन्होंने खासकर पिशावर के अंदर जब वो एक जूनियर ऑफिसर वहां पे है आज से 30 साल पहले 1993 में, उन्होंने उसका भी उसमें जिक्र किया था। फिर उन्होंने बताया कि 1993 के इलेक्शन में जब जिसमें बेनजीर और नवाज शरीफ साहब आमने सामने थे, उसके बारे में उन्होंने बताया कि दर हकीकत यही उन्होंने उसमें कहा था कि ये इलेक्शन वाला जो काम है ये आज कोई नया नहीं है, 93 में भी इसी तरह के काम होते थे। उन्होंने उसमें भी अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है। लेकिन आज जो उन्होंने और उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि उस लेटर के अंदर भी कि और उस आज फिर उन्होंने वही दोबारा रिपीट भी किया है कि उन्हें उनकी ऑब्जर्वेशन अपनी जाति क्या है, जिसके बारे में उन्होंने खासकर इंटरनेट का उस दिन ना होना उसके बारे में उन्होंने बात की है। और उन्होंने उसके बारे में रिकमेंडेशन बताई कि लोगों को जो ऑब्जर्वेशन टीम थी उसको नजदीक नहीं जाने दिया इलेक्शन के अंदर। और फिर उन्होंने इस चीज का भी इजहार किया कि सहाफियों के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बिलखसूस फीमेल जर्नलिस्ट उनके हवाले से। लेकिन फिर उन्होंने खास करके उसमें जो सबसे बड़ा बात की कि 6 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं, 2 करोड़ खवातीन थी जिन्होंने वोट डाले। लेकिन उसमें उन्होंने खुल के इस चीज का आज इजहार किया है कि जो साइफर है वो बिल्कुल सरासर झूठ है। उन्होंने बिल्कुल इसमें क्लियर कहा है और उसके अंदर अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। दर हकीकत मैं तो मुसलसल माजी में भी ये कहता रहा हूं कि हुकूमतें इस तरह चेंज नहीं की जाती कि जब लोग पीछे बैठ के स्टाफ नोट ले रहा हो तो आप कहें जी हम रिजीम चेंज कर रहे हैं। फिर खान साहब ने उसके ऊपर खुद ज्यादती की है, 55 जलसे किए साइफर जेब से निकाल निकाल के, साथ खुद ही अब इस वक्त अमेरिका के कदमों में लेट रहे हैं। इस वक्त पीटीआई अमेरिका इतना पैसा पंप कर रही है जिसकी हद कोरी लॉबी के अंदर। मुझे आज एक और मैं यहाँ पे अपने खास कर एक मुझे इजहार करूंगा इसकी चीज का कि जब उस वहां पे आज साइफर की डोनाल्ड लू की जब हियरिंग चल रही थी तो पीछे मुर्शद के मुरीद वहां भी बैठे हुए थे, उन्होंने पीछे से नारे लगाए जिस तरह के लौंडे लपाड़े अगले दिन IMF के सामने थे, उसी तरह के लौंडे लपाड़े आज वहां बैठे थे, पीछे उन्होंने नारे लगाए हैं। मेरे जैसे जख्मी जो लोग पहले ही वहां से महाजर होके भाग के जरे इधर जो इस वक्त फिर रहे हैं, उनको दुख होता है कि आज तक पाकिस्तान के लिए कोई नहीं निकला, आज तक पाकिस्तान के लिए किसी पाकिस्तान ने लॉबी नहीं किया। यहाँ पे लोग कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशनें हैं बड़ी बड़ी पुरानी हैं, अपना है पुराना है नया है, किसी ने आज तक चीमा साहब किसी ने आज तक पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ा 76 साल। लेकिन देखें मेरे बुजुर्ग भी और लोग ये कहते हैं कि जहां कौमें जाहिल होती हैं वहां पे मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है, वो बोल रहा है। अमेरिका के अंदर मैंने आपको बताया मेरा सबसे पहला गिला क्या होता है, पाकिस्तानी डायस्पोरा कोई तालीम याफ्ता नहीं है। आप लोग खैर कह देते हैं मेरे जैसे बंदे को अने जी उत्थे बड़े डॉक्टर गए, मैं डॉक्टरों को मकैनिक ही समझता हूँ, उन्हें क्या पता है सोशल इशूज क्या है, जमहूरियत क्या है।
आज तक पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं ये डॉक्टर निकले, मेरे ये क्वेश्चन है उनसे। अपना ने आज तक एहतजाज लाबी आज तक अमेरिका लाबी पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं किया आज तक? पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के F-16 अमेरिका ने रोक के रखे थे, फिर उनके स्टोरेज के पैसे में लिए थे, उस वक्त डॉक्टर क्यों नहीं निकले थे? आज निकल आए हैं, कहते नहीं जी ये सियासत नहीं जिहाद है। मैं पूछता हूं उनसे, मुझे बल्कि मैं चीमा साहब मुझे एक खातून है पाकिस्तानी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे अगले दिन पूरा एक चैप्टर लिखा। उन्होंने कहा कि हाउ डेयर कि तुम पाकिस्तानी आर्मी हुंडा को सपोर्ट करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं जिनाद को सपोर्ट करता हूँ। 3.5 साल आपने एटॉमिक पावर चलाई है जिनाद के सर पे, उस्मान बुज़दार चलाता रहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। आपको नहीं, आप किस किस्म की डॉक्टर है? वो डॉक्टर है खातून, कहती आप हाउ डेयर यू सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी हुंटा। मैंने कहा हुंटा आपके साथ हुंटा नहीं थी 2018 में, आपको कौन लेकर आया था? मैं कहा जनरल फैज हमीद आर्मी में नहीं था, वो जनरल बाजवा सिविलियन था। मैंने क्वेश्चन किया उससे, चुप कर जाते। लेकिन चीमा साहब आज डोनाल्ड लू साहब ने जो पिछली रही सही इज्जत थी उस निकाल दी, उन्होंने कहा ये सरासर झूठ है, फ्रॉड है। आपने 55 जलसे करके आज आप उन्हीं सेनेटरों कांग्रेस मैनों के कदमों में लेट रहे हैं कि सानू माफी लै दो, सानू माफी लै। लेकिन ज्यादती आज भी ज्यादती हुई है। लेकिन चले चीमा साहब, आज मैं दूसरा जो मैं आज फिर एक सख्त वाकया हुआ जिस पर बल्कि मुझे एतराज है कि आज ग्वादर पोर्ट की कॉलोनी के अंदर उन्होंने फिर हमला किया, दो अफसरान को वहां पर शहीद किया। ज्यादती है, मजीद ब्रिगेड है जिसने हमला किया, जिसने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। मजीद ब्रिगेड कौन है? ये जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर एक उनके अपना गार्ड था, मजीद उसका नाम था, उसने हमला किया था, बलोची था उसके नाम पर, उन्होंने मजीद ब्रिगेड बनाया, उसने इसके हमले की जिम्मेदारी कबूल कर रही है। लेकिन आज मैं मिन्नत करूंगा पाकिस्तानी इदारों से, अनाफे सनाफ जिस तरह आपने अफगानिस्तान के अगले दिन आपने अंदर जाके घुस के उसका जवाब दिया है, प्लीज उसी तरह इसको हैंडल करें, अनाफे सनाफ। क्योंकि इकॉनमी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, करप्शन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खुदारा आप स्मगलिंग रोकें। एक तो सबसे बड़ी बात चीमा साहब, जो मैं आपके शुमार देख रहा था, सबसे ज्यादा हमले आपके सूबा सरहद केपी के और सूबा बलोचिस्तान में हुए। क्यों हुए हैं? क्योंकि दोनों के बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के साथ आपकी स्मगलिंग इन्वॉल्व है। जब स्मगलिंग करते हैं दहशतगर्दों पे आप हाथ हौला रखते हैं। खुदा रहा इन चीजों को रोके। आज जो बच्चे मरे हैं, मैं उनका भी बताना चाहूंगा चीमा साहब, मेरे सख्त ज्यादा 35 साल का जो बहार खान है डेरा गाजी खान का और 28 साल का इमरान अली है, दोनों किसी माँ के बच्चे हैं, जवान हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। तरस करें इनके लोगों के ऊपर, अब इन लोगों को करार वाकई सजा दें, इनके घरों में घुस के मारें। उसकी वजह यह है कि ये वो कौम है चीमा साहब जिनकी खातर हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया। हमारे आधा पाकिस्तान नशों में है, आधा पाकिस्तान क्लाशन कोफे लेके फिर रहा है, लेकिन उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल अगले दिन शहीद हुआ है, कैप्टन शहीद हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अफगानियों को चाहिए था कि अगर तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है TTP तो हजारे हमदर्दी करो कि हम आपके साथ हैं, आए मिल के हमला, आए मिल का इनका कुछ करते हैं। लेकिन मुत्तकी साहब ने आगे से धमकियां दी आपको, देखिए किस तरह के लोग हैं। हमने पाकिस्तान तबाह कर लिया इन लोगों की वजह से, लेकिन उन्हें कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है चीमा साहब। अब ये टाइम आ चुका है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनका जवाब दें और ये इस तरह नहीं रोकेंगे, इनको आपको रोकना होगा। आज आपको ये फैसला करना होगा कि आपने वाकई स्मगलिंग में पैसे बनाने हैं तो फिर करते रहें, फिर इस तरह आपके जवान शहीद आपके मरते रहेंगे, उनके बच्चों की बद्दुआएं लेंगे आप, उनकी माओ के। आज बहार अली की माँ रो रही होगी, 35 साल, जाहिर है 35 साल जो बंदा है उसकी माँ भी अभी जवान होगी, जो दूसरा 28 साल का उसकी माँ भी अभी जवान होगी, सारी उम्र बद्दुआएं लेंगे आप उनकी। बल्कि अभी तक तो 76 साल में आप बद्दुआएं लेते रहे तभी चल नहीं रहा काम, लेकिन खुदा रहा इस चीज को रोके। लेकिन चीमा साहब इसके आगे मैं देखना चाहूंगा, अच्छा बल्कि एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, मैंने नोट्स लिए थे कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने बयान क्या दिया है, मैं वो भी आखिरी इसको क्लोज करता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने सुपर पावर्स को, हमने सुपर पावर यहां गिरा ली है, आप तो यूथ पीस के, उन्होंने कहा तुसी की शाय हो, तुसी केड़े खेत की मूली हो, असी तो इतने सुपर पावर सट ली सन। अच्छा फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान खुद अपनी हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखता, खुद अंडर परफॉर्म्ड है और हमें ब्लेम करते हैं अपनी नाकामियों के लिए, हमें ब्लेम करें। ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने मेहरबानी फरमाई है कि जो हमने पाकिस्तान तबाह किया है, इनके बच्चे पाले हैं, जो इस वक्त अभी तक 1.7 मिलियन इलीगल जो अफगानी यहां फिर रहे हैं, उनका जवाब ये है आपके लिए
के बजाय आपसे हमदर्दी करने के, वो आपको कह रहे हैं कि तुम नलायक हो, नाअहल हो, तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते हो और तुम अपनी नाकामियों पे हमें ब्लेम कर रहे हो, ये तोहफे में दे रहे हैं वो आप। अब आपको कुछ पाकिस्तान बनने की कोशिश करें, पाकिस्तानी बने और इन चीजों का जवाब दें, वरना 4 मिलियन चीमा साहब इस वक्त 4 मिलियन है पाकिस्तान में, सारे जो दहशत गर्द जो आपके अफगानी मैं तो दहशत गर्द समझता हूँ, उसमें से 1.7 इलीगल है, कुछ तो इतने भेज दिते ना, हूँ इतने साढ़े भी उन्होंने पिछले पैना इतने उन्होंने कुछ तो इतने आ गए ना, साढ़े ओबामा साहब उन्होंने लैन जाना चुप चुप, ये भी मेहरबानी। लेकिन ये कि चीमा साहब दुख वाली बात है, दुख वाली बात मैं देख के कहूंगा, चीमा साहब आप अफगानिस्तान की हालत आज देख लें, क्या हालत है, इंडिया देख लें, जहाँ ये अफगानी जाके मार मार के आपको मुसलमान करते रहे हैं, इन्होंने क्या जुल्म भारत के साथ नहीं किया, यहां से अफगानियों ने जाके अब्दालियों ने आज अपनी हालत देख ली, कोई सड़क सीधी नहीं है, कोई हालत ठीक नहीं है, 60-60 साल के लोग हैं, 15-15 साल की बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, बल्कि तालिबान के आने से पहले उन्होंने लड़कों से निकाह शुरू कर दिए थे, ये इस कौम की हालत। चलो कोई नहीं चीमा साहब, खुदा की कहते ना खुदा की लाठी बे आवाज है, कोई नहीं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने पाकिस्तान को धमकियां दे ली हैं, लेकिन आप बदला ले ना ले, भारत बदला लेगा, मेरे ख्याल में भारत तो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है, कलोनियलिज्म का बदला ले रहा है, मैं खुश हूँ इस बात आज, बल्कि मैं मुझे थोड़ा सा इतफाक हुआ है, थोड़ा सा टॉपिक से मैं हटूंगा नहीं, आज मैंने भारत की इकॉनमी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो 1991 तक उनका सोशलिस्ट आइडियाज चलते रहे हैं, नेहरू साहब थे, तो नेहरू साहब सोशलिस्ट क्यों रहे हैं, मैं आज इस चीज पे वो ऐसे था तो चीमा साहब मुझे पढ़ने का इतफाक हुआ है जी, तो वो माइंड सेट एंटी कलोनियलिज्म था उनके जहन में, एंटी मुगल जो कॉन्सेप्ट, मुगल भी तो देखे ना इन्वेडर थे, कॉलोनी थी ना अफगानिस्तान की, तो वो दो चीजें होती रही हैं कि ब्रिटिश भी जो थे अपने पसंदीदा ट्रेडर्स, अपने पसंदीदा बिजनेसमैन को प्रमोट करते रहे, इसी तरह पठान भाईजान जो अफगानी थे वो अपने मुसलमान चंद पसंदीदा लोगों को प्रमोट करते रहे, उसके रिटेलिएशन में नेहरू साहब समझते थे कि वी नीड टू टेक द कंट्रोल ऑफ इकॉनमी इन आवर ओन हैंड्स, और 1947 से लेके 1991 तक उन्होंने सोशलिस्ट एजेंडा, और उसको उन्होंने नाम, जिस ऐसे को मैं पढ़ रहा था उसके अंदर उन्होंने उसको नाम दिया था लाइसेंस, उसका नाम उन्होंने रखा था कि ये उसको उन्होंने चीमा साहब उसको लाइसेंस राज, कि ब्यूरोक्रेट जिसको लाइसेंस देते थे वो अमीर हो जाते थे, जिसको लाइसेंस नहीं देते थे वो गरीब रहते थे, और जो पीरियड था उस वक्त जो सबसे बड़ी जो बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका जो था 1991 में क्रैश किया, और उसके बाद जो नरसिम्हा राव थे और हीरो जो थे उसके अंदर मनमोहन सिंह थे और उनके साथ माडेक सिंह आलूवालिया उनके साथ टेक्नोक्रेट थे, और एक जो थे वो वाइस रीडी थे जो उनके साथ टेक्नोक्रेट थे, जिन्होंने इस सारे लाइसेंस राज को खत्म किया था, और जो उसमें सबसे बड़ी खूबसूरती है, बल्कि आज भी मैं कोशिश मेरी, मैं तो हमेशा चीमा साहब इस चीज पे बिलीव करता हूं कि आप कोई अच्छी चीज खुद ना कर सके तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लेनी चाहिए, IMF का जो पहला पैकेज भारत ने मनमोहन सिंह ने बनाया था वो पैकेज खुद तैयार करके उन्होंने IMF को दिया था प्लान सारा, कि दिस इज द प्लान वी वांट टू इनफोर्स इन द फ्यूचर। IMF उनका बजट नहीं बनाता था, IMF आके उनकी इंस्पेक्शन नहीं करता था, मनमोहन सिंह आलू मिस्टर सिंह आलूवालिया और वाइस रेड्डी इन्होंने तीनों ने मिलकर प्लान अपना खुद बनाया था IMF का जो दिया गया था, और उसको कंटिन्यू किया नरसिम्हा राव के बाद वाजपेयी ने, वाजपेयी वाज द बीजेपी मैन, और जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने डिफाइन किया कि बीजेपी को उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के साथ फ्री एंटरप्राइज और बिजनेस ओरिएंटेड उन्होंने रिपब्लिकन के साथ उन्होंने कंपेयर किया वर्सेस नेहरू को उन्होंने डेमोक्रेट एज ए डेमोक्रेट पार्टी उसकी कंपेरिजन किया, वंडरफुल कंपेरिजन जो मुझे आज इतफाक हुआ है, मैं समझ रहा था कि मैं शेयर करूं, आज भारत की पर कैपिटा इनकम $2,400 a month वंडरफुल $3.2 trillion की इकॉनमी, लेकिन 1991 से सफर शुरू हुआ है, कोई लंबा सफर नहीं है, अगर आज भी कोई पाकिस्तान में से कोई हिम्मत करना चाहे तो इट इज पॉसिबल फ्यूचर में। अब अगली जो बात जो चीमा साहब मुझे आज सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है, अगले दिन मैंने ख्वाजा साहब ने असेंबली में स्पीच भी दी थी, सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है, वाकई इसमें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की बातें सारी गलत नहीं है, आपकी अपनी भी गलतियां मौजूद हैं,
आज मुझे इत्तफाक हुआ है कि अब्दुल्ला अचकज़ई एक अफगानी शहरी है जो कि आपकी आर्मी के अंदर कैप्टन थे। आपके कमीशन अफसर भी जो है वो दो नंबर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाकर आपके कमीशन अफसर, ये मेरे लिए एक, एक, एक हैरानगी वाली बात थी। मैं हैरान हूं चीमा साहब, आपने इन लोगों को अंदर घुस के ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिए, आपने इनको पासपोर्ट दिए, इन्होंने कारोबार किए, वर्सेस जो बंगाल जो बिहारी बांग्लादेश में आपकी आर्मी के साथ लड़ते रहे हैं, आज भी वहां कॉलोनी में सड़ रहे हैं बांग्लादेश में। आप इस तरीके से कंट्री चला रहे हैं, बिहारियों की चौथी चौथी नस्ल है और पाकिस्तान के साथ वफादारी में आज भी वो झुलस रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और आपने इनको घुसाया अंदर और ये आपके पाकिस्तान के ऊपर कब्जे करके फेर रहे हैं, इस्लामाबाद में घुस के आपको मारते हैं, डाके मारते हैं, चोरियां करते हैं, शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, अब आपके आर्मी अफसर भी है, किसको ब्लेम करेंगे आप अपने सिस्टम? आपको एडमिट तो करना चाहिए, क्या ही अच्छा हो कि आज आपका ISPR एडमिट कर ले कि हमसे गलतियां हुई, हमने इनको कमीशन किस तरह दिया था, और उनको अरेस्ट करें जिन लोगों ने। चीमा साहब मेरी नजर में पाकिस्तान आर्मी में जब आप एक ऑफिसर बनता है उसकी तो वेरिफिकेशन की स्टेज ही बहुत ज्यादा है, जो वेरिफिकेशन की जाती है उनके गांव में जाते हैं, लोग देखते हैं ये कौन है, किधर से है, इसका करेक्टर क्या है, तो इनकी वेरिफिकेशन है किसने की, पकौड़े वालों ने की, एडमिट तो कर लो। चीमा साहब मैंने अमरीका में आके सीखा था इसलाह तब तक नहीं होती जब तक आप एडमिशन नहीं करते, एडमिट नहीं करते, आपका माइंड सेट उसको आगे चलता नहीं लेके। मैं मेहनत करूंगा कि अपनी गलती एडमिट करेंगे कि गलती हुई हम आगे नहीं करेंगे और इनको करार वाकई सजा दें, लेकिन चीमा साहब फिर इसमें क्या हो सकता है, फिर मेरा वतन अजीज है जहां पे इन चीजों पे कि किसी ने आज तक आगाज ही नहीं किया, इस चीज का किसी ने इसके ऊपर सोचा नहीं है चीमा साहब के लिए क्या होगा। दूसरा, चीमा साहब भारत के हवाले से बात कर रहे थे कि भारत के अंदर राइजिंग भारत एक कॉन्फ्रेंस जारी है दिल्ली के अंदर, और स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे थे चीमा साहब, स्टार्टअप तो एक मामूली चीज है, अगलों ने स्पेस के अंदर इस वक्त 100 से ज्यादा प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं, आपको बताया था कि वहां उनके 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर 1,00,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करने के लिए तैयारी में मौजूद। मुझे मैं खैर दीवाने के ख्वाब है चीमा साहब, मुझे किसी ने कहा कि तुम भाई हमेशा ट्रेड ट्रेड करते हो, ट्रेड से आगे क्या करोगे, मैं कहा मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या तो उनसे आके कोई ब्रांच लाहौर में उनकी खुलाई जाए जब रिलेशनशिप थोड़े बेहतर हो तो, या फिर लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी टक्कर का कोई बने, उसी तरह के लोग जहां पे लौंडे लपाड़ों को सबसे पहले तो मैं इंग्लिश सिखाऊं, ये उर्दू से जान छोड़ेंगे, और दूसरा उसके बाद इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाए और इनको कहा जाए कि ट्विटर से गाड़ा कड़न कोई इनकम नहीं आती, रोटियां नहीं आती। मेरे मुर्शद ने ये अच्छा, आप कहते हैं स्टार्टअप पाकिस्तान, तो PTI स्टार्टअप नहीं तो और की है चीमा साहब, ये भी तो स्टार्टअप ही है। 1,25,000 मेरे मुर्शद ने PTI का लौंडा लपाड़ा हायर किया था, 1,25,000, ये भी तो स्टार्टअप। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ऑनलाइन तमाशा, सबसे बड़ा स्टार्टअप है ये भी स्टार्टअप, मैं तो स्टार्टअप ही कहता हूँ। देखे ना वो हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज ही ऑनलाइन है। चीमा साहब दर हकीकत आपको लीडरशिप की जरूरत है आज भी, मेरे ख्याल में सिंसियर लीडरशिप, पाकिस्तानी लीडरशिप उसकी जरूरत है। इश्तिहार दे अखबार जी किसे चंगे जी, मैं कर टैलेंट गुआचे लभी है उन्होंने जरा। ताड साहब अमरीका की बात हो रही है, अमरीकी कांग्रेस में भी हमारे पास भी तमाशे हैं, पर तुहाडे कोल भी बड़े तमाशे हैं। बड़ा बड़ा केस है उसकी, एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा चीमा साहब। रिपब्लिकन मिस्टर शर्मा ने कांग्रेस में, उसने आज सबसे बड़ी रिक्वेस्ट कर दी, उन्हें कह जी ओ मुर्शिद पार जेल च जाके पूछो उन्होंने उठे उन्होंने दी एक्सरसाइज दी मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही। यार खुदा दा शर्म कर कोई मतलब, ये ताड़ साहब, ये ताड़ साहब आप इतने अमरीकी कांग्रेसमैनों को मिलते रहते हैं, आपके दोस्त हैं पर्सनल, मुझे ये बताएं कि क्या ये एक ही है PTI अमरीका च भी बढ़ गए, ये क्या है मतलब, इन्होंने सुना ये पैसे लेके सब कुछ ही बोल देते हैं। ताड़ साहब हमारे ऊपर तो ठीक है, असी डॉलर दे साडे इल्जाम ने जी पाकिस्तानी डॉलर खा जाते ने, ऐसे कह रहे हैं, मतलब तुहाडे कोल भी डॉलर दे रोल है, मतलब 5,000 डॉलर ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਰੋੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰ ਗਿਆ।
मिलिट्री इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो सब तबाह कर गया, ऑयल कंपनियां सब तबाह कर गई, इंश्योरेंस कंपनियां सब तबाह कर गई। चीमा साहब $5,000 की बड़ी वैल्यू अमरीका किसी कांग्रेसमैन ने दिता होते, इन्होंने बहुत देते हैं पैसे। और शर्मन साहब परेशान हुए ना, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मिस्टर डोनाल्ड लू प्लीज टेल योर एम्बेसडर इन पाकिस्तान टू गो से हेलो टू इमरान खान, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू, इज योर स्टेशनरी बाइक इज वर्किंग, आर यू गेटिंग अ लेग ऑफ द बकरा एवरी डे और नॉट। उन्होंने कहा पूछो पता जा, पूछा देसी घ्यो च लत लभ रही है मगर तली कि नहीं लभ रही, खुदा का नाम। जिस तरह मक्खियां भाग रही, सऊदी अरब मुंह ला के राजी नहीं, इसराइल की सारी जंग गाजा की, ये सपोर्ट पैसा भी दे रहे हैं असला भी दे रहे हैं और वो इनकी बात भी नहीं मान रहा, ये फॉरेन पॉलिसी के हालात है। चीमा साहब नहीं नहीं आखिरी आखिरी एक पॉइंट प्लीज, चीमा साहब कहां है टोनी ब्लिंकन आज? सियोल में है, डेमोक्रेसी समिट हो रही है वहां पे सियोल में, वहां पहुंचे हैं साथ, नॉर्थ कोरिया ने 6 मिसाइल छोड़े हैं उनके आनर में, ये सेल्फ ये रिस्पेक्ट है फॉरेन पॉलिसी की, एक कांग्रेसमैन का कह देने से क्या फर्क पड़ता है, 6 मिसाइल उसने छोड़े हैं नॉर्थ कोरिया ने, और जिस लिमोजिन पे वो आया है दैट वॉज अ गिफ्ट ऑफ द प्लूटन टू नॉर्थ कोरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ टोनी ब्लिंकन, ये उसकी रिस्पेक्ट है टोनी ब्लिंकन। चीमा साहब जब आप रात के अंधेरे में अपने बच्चों की लाशें उठा के कंधों पे भागें तो फिर आपसे डरता कोई नहीं, आपको सुपर पावर लोग नहीं कहते, नहीं कहते, यही पाक इस वक्त अमेरिका का दिया है सबसे बड़ा, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मिल भी आए ना जाके अमेरिकन एम्बेसडर, इट डजंट मैटर कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है। और दूसरा चीमा साहब, इस वक्त अमेरिकनों की आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जरूरत है, इमरान खान की जरूरत नहीं है, क्यों है? क्योंकि यूक्रेन की ताइवान की वजह से हालात इनके पतले हो रहे हैं, तो उसमें और चाइना ने रीसेंट जो 2 स्टेप किए हैं चीमा साहब, उसमें 2-4 चीजें मैं आपके खित्ते के हवाले से बताना चाहूंगा, एक तो मालदीप उनके हाथ से निकल गया, चाइना के पास चला गया, दूसरा वो जो चाइनीज आर्मी जनरल जो है दे आर इन श्रीलंका और नेपाल, ये भी इससे भी परेशान है, तीसरी बात आपकी ये हो रही है कि अब इस वक्त भारत आपका अफ्रीका में खुल के असला बेच रहा है, गयाना को 2 जहाज बेचे हैं सऊदी इंडिया ने अब, क्योंकि अफ्रीका के इंडियन असला जो है वो सस्ता है, अमेरिकन असला महंगा है, तो वो अमेरिका के वैसे ही कंपटीशन में आ गया, तो इनके हाथ खुले हुए हैं असल में अमेरिकन से। और दूसरा 8.4% जो इकॉनमी है इंडिया की, या जो बाइडेन ओबामा है उनको रात को नींद नहीं आ रही, प्रॉब्लम। और दूसरा चीमा साहब, आज जो सबसे बड़ी खबर जो मैंने पढ़ी है अमेरिकन इंटरनल इश्यूज के बारे में, 3 लाख 3.5 लाख लोग तो हमारे सदर्न बॉर्डर से आ रहे हैं, आज सुबह मैंने एक आर्टिकल और पढ़ा है जिसके अंदर न्यूयॉर्क, वर्मांट और न्यू हैम्पशायर, इन 3 स्टेटों में 2023 में 9,000 से ज्यादा लोग उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करते कैनेडियन साइड से पकड़े हैं, जिनमें से 500-600 से ज्यादा टेररिस्ट लिस्ट पे मौजूद है, और वो किस तरह आ रहे हैं वो भी बता दें। यहाँ पे अगर ओबामा साहब लिबरल हैं तो दूसरी साइड पे जो हमारे ट्रूडो साहब हैं वो भी लिबरल, मैक्सिकन लोगों के लिए कैनेडा वीजा फ्री कर दिया, यू डोंट नीड अ वीजा टू कम टू कैनेडा, वहां से फ्लाई करो मैक्सिको से सीधे जाओ टोरंटो, टोरंटो टैक्सी में बैठ के आप वर्मांट आ जाओ चाहे न्यू हैम्पशायर। तो ना सिर्फ ये साउथ से तबाह कर रहे हैं अमेरिका को, नॉर्थ से भी हमला हो रहा है, तो इस मुल्क के ऊपर तो दोनों साइडों से अटैक हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर जाके खान साहब को बचाएगा, इन तेलों में तेल नहीं है, समझाओ पीटीआई को, कोई नवी पार्टी ढूंढो, इन्हों को पुतिन के मगर जाके पाओ, पुतिन साहब। वो ब्रैड शर्मन को वो उसकी वीडियोस बड़ी चल रही हैं कि उसको सवाल करते हैं कि इसराइल क्या कर रहा है, उधर तुम खामोश हो और इधर तुम इमरान खान की हिमायत में बड़ी बातें कर रहे हो कि वो जी जेल में चले गए, ठीक है पाकिस्तान के मसले 50 हैं, हम उस पर नहीं अभी कमेंट कर रहे, लेकिन वो इसराइल पे खामोशी है, पाकिस्तान पे बोलता है, ये पैसों के चक्कर में है। लेकिन ताड़ साहब जो ये भी चलो इसकी भी समझ आती है, जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने, उन्होंने कहा जी कि जो अमेरिका में लोग जो पाकिस्तानी है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले हुए हैं, वो उनको आने नहीं दिया जा रहा और उनको जाने नहीं दिया जा रहा। मुझे याद है ताहिर साहब आपने, मैं उस वक्त अमेरिका में था पिछले जून में, जब आपके कज़न आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि पाकिस्तान के उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे और अभी भी उन्होंने दोबारा वो उनको लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो उन्होंने आपने एक गैदरिंग की जिसमें सारे पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, सारे हुई वहाँ पे आया हुआ था,
तो उनसे सवाल हुआ, जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसडर भी साथ उस वक्त मौजूद थे, तो सवाल हुआ कि ये जो पाकिस्तानी है क्या इनको किसी लिस्ट में डाला गया है कि इनको आने नहीं देना पाकिस्तान? तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, ही वाज सिटिंग लॉ मिनिस्टर एट दैट टाइम, ही इज इवन सिटिंग नाउ, उन्होंने कहा ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो तारड़ साहब, ये प्रोपेगेंडा ने उम्र गुजार देनी है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि इमरान खान के साथ उनको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, ठीक है, बहुत सारे उनके ऊपर क्वेश्चन हैं इस हवाले से, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो बात है, आप भी तो अमरीकी हैं, आप भी तो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साढ़े ना ना, अब देखे ना वो अमरीकी कांग्रेस में इस पे जो है वो खिताब करवा दिया उनसे। चीमा साहब मुझे ये बताया, कहते हैं इमरान खान को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल मिला था, नवाज शरीफ साहब को फेयर ट्रायल मिला था, 2024 के इलेक्शन 2018 के इलेक्शन ठीक थे, कैसे ये बातें कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहना तो पाकिस्तान की तरह ही रहना है आपने। दूसरा चीमा साहब, मुझे इस बात का नहीं पता चला, उन्होंने उस दिन भी डिनाई किया था कि कोई एग्जिट कोई लिस्ट ऐसी मौजूद नहीं है किसी को, बल्कि मैं तो चाहता हूं होनी चाहिए, सही कंट्रोल ही नहीं कर रहे इनको, एंटी स्टेट, देखे दो जो मर्जी कर रहे हो लेकिन एंटी स्टेट नहीं आपको बात करनी चाहिए कभी भी। लीडर आते हैं चले जाते हैं, पाकिस्तान ने तो कायम रहना है, ये कौन होते हैं पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो? लेकिन चले चीमा साहब, लेकिन ये आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, पार्टी के अपने हालात देख रहे, सारी पार्टी वकीलों की दी, अब वकील आपस में लड़ रहे हैं, वो एक जो कहता है हमसे गलती हो गई है इतहाद करने की, दूसरे कहते हैं नहीं जी गलती नहीं हुई, एक सुबह बात करते हैं शाम को चेंज कर लेते हैं, इनके अपने हालात बड़े पतले। दूसरा ये कि चीमा साहब, ये पार्टी जो सारी ट्वीट की पे ट्वीट पे चल रही है, ट्वीट पे चल रही है, इनके अपने हल्के तो है नहीं है, इनके इनके तो इनका तो सवेरे इंटरनेट हल्का है, वो वैसे ट्विटर उन्होंने बंद कर दिया, आजकल आराम है आपके, तो वैसे पाकिस्तान में सुकून होना चाहिए कुछ दिनों के लिए। लेकिन ज्यादती चीमा साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, बल्कि मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों के साथ सख्ती से डील किया जाए, ताकि फोकस कर सकें आप पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर, पाकिस्तान के मुआशी हालात के ऊपर और पाकिस्तान की ट्रेड के ऊपर, इस वक्त जो आपकी सख्त जरूरत है उस पर तवज्जो होनी चाहिए। ये जो डिस्ट्रैक्शन इन्होंने की है, कभी कहते हैं जी हमने इस्लामाबाद जलसा करना है, कभी कहते हैं हमने लॉन्ग मार्च करना है, आपने इसी में आपने फिर दोबारा आपने हालात खराब करने, ये तो इस तरह ही है जिस तरह गुंडे गुंडी का ब्याह करने लगे हो, तो सीरियस होना चाहिए पर द कंट्री, ये तो सीरियस नहीं होंगे। इनका तो अब 3.5 साल की आपके सामने इनकी परफॉर्मेंस मौजूद है, तो इनसे माफी मांग ले, पाकिस्तानी कौम को चाहिए ना कि यार तुम चांद दिहाड़े आराम कर लो, तो पाकिस्तान साल लैंड दो, हालात खराब ने बहुत ज्यादा। बात तो सही है तार साहब, और मैं समझता हूँ कि अमेरिकन कांग्रेस जो है उनको भी अपनी इज्जत की जो है उसकी परवाह करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर 91 से ज्यादा केसेस हैं, वो खुद कहते हैं कि इमरान खान ही बड़े हैं इस टाइम, इमरान खान ही होते हैं। देखिए इसमें इलान मस्क ने तो चीमा साहब ट्वीट किया आज से कुछ 2 हफ्ते पहले, उसने कहा हर दुनिया के हर कंट्री के अंदर एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग है, तो यहाँ पे ओबामा साहब को मेरा मकसद उनसे वो $465 मिलियन उनसे मांग रही है इस न्यूयॉर्क की कोर्ट, वो कहते हैं हम अगर इनको बैलेट पे नहीं आने देंगे तो पैसों के लिहाज से बैंकक्रप्ट कर देंगे, तो इस तरह घेरे डाल के तो फिर इस तरह तो नहीं होता ना। तो चीमा साहब इनको गुजारा करना चाहिए, लेकिन अमरीका के खैर फाइनेंशियल हालात इतने खराब नहीं जितने आपके खराब हैं, लेकिन इनको इनको सोचना चाहिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप का भी सबसे बड़ी बात यह है, खैर खान साहब के अंदर मुझे कल किसी ने कहा, उन्होंने कहा जी खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुमासलत है, बड़े एक चीज, मैं कह नहीं, एक फंडामेंटल डिफरेंस जरूर है, मैं कह मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ रहा हूं, उनके पास जेन कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये तार साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, वो ये है कि द मोमेंट अभी इस वक्त मुझे कोई, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पे जारी बात है डिस्कशन करते हैं, तो मुझे इतने लोगों ने फ़ोन किए हैं मेरे गांव से, हर शहर से मैसेज करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं अमरीका च, और सुनिया जीत गया, लोगों को तो नहीं पता प्राइमरीज हुई हैं, और जीत गया, आवाम को जैसे पता है आपको जितना नॉलेज होता है, उन्होंने कहा भाईजान जीत गया वो की बने हैं, वो जीत तो अगर अगर ट्रंप जीत गया तो इमरान खान रिहा हो जाएगा, मतलब बच्चे बच्चे की जुबान पे इन्होंने नया प्रोपेगेंडा। तार साहब ये चीज जो है, चीमा एक सवाल का उसका जवाब उसका एक सेकंड में आता है, डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड ही हैड अ रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट पर्सनल, विद द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट पर्सनली एज इमरान खान, ये लोगों को नहीं अंदाजा।
और दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स ऑपरेट. उनके इंटरनल प्रॉब्लम और जुडिशियल प्रॉब्लम और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स गेट इन्वॉल्व. ये लोगों को नहीं पता. हाँ, लौंडा लपाड़ा है वो एंजॉय करने तो उनको ट्वीट के लिहाज से, वरना नॉट, दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स ऑपरेट. दूसरा, इनको ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप की नवाज शरीफ साहब की बड़ी अच्छी बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर हुई थी, नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार नहीं थे वो. इनको ये नहीं पता कि दैट वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट विद इमरान खान. तो चले कोई नहीं, जिस तरह वो सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं उस तरह करने दें, उनको एंजॉय करने दें. ट्वीट पे बच्चे फारग रहे ना, अमीर लोगों के आवारा बच्चे फारग होते हैं, क्या करेंगे. पांच पांच उनके ट्विटर अकाउंट हैं, दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव टू कीप देम एंगेज्ड. बिल्कुल सही कह रहे हैं दार साहब. लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. इंडिया तो स्टार्टअप्स की बातें कर रहा है, उनका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उनकी पॉलिटिकल रैलीज में क्या बातें हो रही हैं, और हमारी पॉलिटिकल रैलीज में मड स्लिंगिंग है, गालियां हैं, एक दूसरे को तोए तोए करना. और अभी हम अमेरिका तक, पूरी दुनिया इस वक्त, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, अमेरिकन मीडिया, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बातें हो रहा है जी. इधर ट्विटर बंद है, उधर इलेक्शन ऐसे थे, अमेरिकी एम्बेसडर इमरान खान को जाके जेलों में मिले, ऐसी ऐसी बातें जो है वो की जा रही हैं पाकिस्तान के बारे में. लेट्स सी आइंदे दिनों में क्या होता है, नई हुकूमत आई है. थैंक यू वेरी मच सरितार साहब, लेट्स प्ले टॉकिंग टू यू. बहुत शुक्रिया आपको. तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म. इंडिया के स्टार्टअप्स बिजनेस पर बाद में आऊंगा. मुझे तारिक साहब की समझ नहीं आ रही. मुझे खुदा के लिए ना, इस तारिक साहब का भी अब लाइव सेशन करवाओ. अब ये तारिक जो ना, इस वजह ये नहीं कि वो इमरान खान पे हिट करता, वजह ये है कि उसको कोई पता नहीं जाती दुश्मनी है मुझे खान और पीटीआई से. कोई पता नहीं उसकी कोई. मैं एक वीडियो में पहले भी इसको, जब ये पीटीए के खिलाफ बोलता है ना, मैं बड़े एहतियात के साथ लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मैं वो क्या एक डायलॉग है कि चले जाओ छोड़े, साइफर झूठा कह रहा है. डोनाल्ड लू ने कह दिया मैंने साइफर नहीं लिखा, अमेरिका ने सफाई दे दी. तो सजा किस केस में है? साइफर में भी 10-15 साल सजा है. और झूठे टकले, तुम भी झूठे, तुम्हारी ये पाकिस्तान रियासत भी झूठी, ये सारे के सारा पाकिस्तानी झूठा दो नंबर है. एक तरफ बकवास कर रहे हो साइफर नहीं है, साइफर नहीं है, तो वो सजा वो अदालतें फिर दी हैं, ये अदालतें बेगैरत है या तुम बेगैरत हो? साइफर झूठा है, डोनाल्ड लू ने कह दिया. मेरा जी चाह रहा है यकीन कर जाए, या पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है जिन्होंने ये केस सजा सुनाई ना खान को साइफर के मामले में, चपेड़े बंदा मारे, बल्कि फायर मारे, और तुम्हें भी साथ मारे ताड़ साहब, पूरा बंदा 45 तेरे छाती में घुसेड़ दे. इतना तुझ पर मुझे गुस्सा आ रहा है. झूठता झूठता चार है पीटीआई, पूरी की पूरी वीडियो पीटीआई की बड़ास से निकाल दी यार. कुछ जो है ना, मेरी बात सुनिए, आपने कहा है कि ये कर दो, बिल्कुल ऐसा, मतलब कि हमें भी गुस्सा बहुत आता है, हम भी जो है ना पीटीआई के तो यार कह रहा है कि यार सोचना, मतलब तुम भी सोचो, असलम भी सोचो, बल्कि हमारे देखने वाले भी सोचे. साइफर झूठा मान लिया, खान ने वो झूठ लहराया था, और अल्लाह के बंदे पढ़े लिखे जहल बातें पाकिस्तानी को करता है, पाकिस्तानी वहां पढ़ी लिखी हुई है, और मोटे अकल वाले, मोटे सर वाले, कि फिर वो सजा किस केस में है? ये मुझे समझा दे. फिर खान खान करता रहा, पीटी पीटी है कोई वीडियो में करता रहा, मुझे ये समझा दे. मुझे इस सवाल का जवाब कोताड़ साहब ने, और आगे डब्लू साहब बैठा है, उसने ये नहीं पूछा तो खान को सजा किस केस में हुई है? भाई वो बैठा रहता था, क्यों उसने मुंह लटकाया होता है? ये शुरू ही हो जाते हैं, ये ऐसे शुरू जिस तरह मतलब के जो है ना, इनका जो करंट वाला जो बटन है ना उसको ऑन कर देते हैं तो ये शुरू हो जाते हैं, और सारा का सारा ज्ञान पीटीआई इमरान खान साहब पर पेल देते हैं. पता नहीं इनको बाकी को, मुझे लगता है कि जाति को पर्सनल जो है ना इशू इनको इमरान खान साहब से है. और ये इमरान यार रखे उनसे रखे, कितने खिलाफ मेरे खान थे जिसमें इंडिया के साथ ट्रेड बंद करना, जिसमें वो बात भी ऑन पब्लिक बोल देना जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, उसके बाद ज़्यादा बीवियां करना, बीवियों के साथ फिर वो जो बातें करना, वो अब कई ऐसे इश्यूज हैं जिससे मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ खान के, लेकिन जो वो सच है वो सच है. किस केस में अगर वो साइफर झूठा था तो किस केस में सजा हुई है? फिर या तुम्हें सजाए मौत होनी चाहिए या पाकिस्तान के जजों को सजाए मौत होनी चाहिए जो ये बकवास कर रहा है.
या डॉनल्ड लू को फायर मारना भाई चाहिए। पता है क्या असल में ये है, एक साइड की तरफ इसका जो आज मेरा जी यकीन जाए आज मिल जाएगा टारगेट ना, मैं पूरी की पूरी 44 इसके सीने में। पूरा पाकिस्तान ये कहता है कि जरदारी जो है वो करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, उसके जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारी करप्ट है और इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है। आज तक इस बंदे के मुंह से ना नवाज शरीफ के बारे में कोई लफ्ज बुरा निकला, ना शहबाज शरीफ के, ना जरदारी, और सबसे जो बड़े करप्ट है हमारे मुल्क के, ना ही उनके हवाले से कभी इसके मुंह से झूठ निकला। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती है ना को तस्कीन देने के लिए, या कोई हो सकता इतनी है इतनी उसको पीटीआई वालों से नफरत है। लेकिन इमरान खान स्कॉलर, सो कॉल्ड स्कॉलर, मैं तो कहता हूं कि दोगला बंदा है, दोगला भी यार जहां ये सच बोलता है हम इसको कहते हैं सही बोल, दोगला बंदा इस वजह से है कि एक साइड की तरफ आपको झुकाव नहीं होना चाहिए, बात जो है ना वो सही कर सही कर। अगर पीटीआई वाले झूठे हैं तो तब आप उनको कहें कि वो झूठे हैं, इमरान खान झूठा है तो तब भी कहें, लेकिन जब दूसरे झूठे हो तो उनको भी आप ऐसे मलामत करें जैसे इनको करते हो, गलत बात है। वन साइड इसकी फट जाती है। वो बता रहा था कि कहीं वो किसी इवेंट में था तो पीटीआई पीछे से मार्चा की बात कर रहा उधर कहीं गया, ईपीटीआई नारे लगा था, तो नारे लगाने हैं वो सच्चे हैं, उससे तुम्हारी फट गई है। इनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बंदे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी हैं, ये जो बात करता है कि लौंडे लपाड़े, लौंडे असल है ये, इनसे बहुत बेहतर है, इनको इतना शऊर नहीं है कि ये बाहर बैठा है यूएसए में कि हक सच की बात कर सके। कभी इसने अपने जो इदारे हैं उनके खिलाफ बोला है? सारा पाकिस्तान जानता है कि लुटेरे कौन है, लूट कौन रहे हैं और गलत कौन है। हालांकि जो डोनाल्ड लू की बात, इंडिया नहीं जानते डोनाल्ड लू की बात कर रहा है, उस पे पहले सारों ने कहा है कि भाई वो साइफर झूठा था, लेकिन उसी साइफर की बना उन्होंने सबसे पहले जो सजा दी है वो साइफर पे दी है, और अब ये दोबारा मेरे ख्याल में डोनाल्ड लू का बयान आया, कोई सामने साफ सफर नहीं भेजा, तो सजा किस बात की? मुझे ये आज तक मैं जहल होऊंगा, मैं अनपढ़ होऊंगा, मैं ना कोई कानून पढ़ता हूँ ना मुझे कुछ पता, मुझे ये ताड़े साहब टकलू से पूछ के बंदा को बता दे वो सजा किस पर है, और नवाज शरीफ क्यों नहीं ये बोलता, ये जरदारी पर क्यों बोलता? सिर्फ और सिर्फ उसको इस बात की दी जा रही है कि वो हक साथ पे है, वो सच का साथ देता है। ये सारे चोर है, सॉरी यार, ये यही चाहते हैं कि हम मिल बांट के मेरे बस में आज हो ना वो खाएं उसी तरीके मेरे से मेरे आज बस में हूँ मैं ताड़ और इस पाकिस्तान के अदारों जिसमें जजी शामिल है, या ये फिर ताड़ झूठ बोल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, या बाजवा झूठा था जिसने ये कहा था साइफर आए नहीं, या फिर ये जजी झूठे हैं जो कह रहे हैं कि ये साइफर है, इसको लीक आउट किया गया, लहराया गया, इसकी वजह से इन्हें सीक्रेट एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की हम सजा सुना रहे हैं। लख दी लानत तुम पाकिस्तान की रियासत पर भी और पाकिस्तान के जजेस पर भी और तमाम इन जैसे टकलों पर भी। क्या ये तजाद है? आम अनपढ़ बंदा भी कह रहा है कि एक चीज है ही नहीं, उसकी सजा फिर कैसे, उस पर सजा जजा कैसे? खैर मेरा यार आज बीपी खुदा कसम शूट कर गए आज इसकी बातें सुन सुनकर, और ऊपर से पाकिस्तान के जजेस की बातें फैसले सुन सुनकर। इंडिया के स्टार्टअप की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मिलकर, ये भी उस जो बातें वो सही करता है उस पर मैं उसको बड़ा सराहता हूँ, लेकिन जो झूठ है इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, ये सुनने वाले देख रहे हैं लेकिन अंधे हैं या बहरे हैं या अकल नहीं रखते, या सारा के सारा अकल ताड़ में है या पाकिस्तान के अदारों में जजेस में है, दुनिया अब समझती है जो झूठ बोलता है उसको तो पकड़ा जाता है। मान लिया खान ने झूठ बोला, अपने तरफ से कागज लहरा दिया होगा, तो सजा फिर क्यों? कह रहे हैं कि एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो आर्मी कर रही है, सो कॉल्ड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हमारी आर्मी है वो क्या कर रही है, उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही, उनकी हिम्मत नहीं है उनके सामने बोलने की, सिर्फ इमरान। सॉरी यार, अच्छा बात मैं लेकर चलता हूँ इंडिया के स्टार्टअप्स पर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मिलकर 100 प्राइवेट, या इंडिया के अंदर जो 100 हाँ 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, प्राइवेट स्टार्टअप्स जो हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेस स्टार्टअप्स हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 5 लाख कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात उसमें की हैं भी, इंडिया आईटी के मामले में हमसे सालों आ गए, 100 साल मैं कहूँ तो फिर भी गलत नहीं होगा, बहुत पीछे हैं।
जो वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम उनसे अभी बहुत साल पीछे, उनके अंदर अच्छा इंडिया के स्टार्टअप्स पर बात उसने की, फिर कहा जो आज पाकिस्तान में सारे को छोड़ा उसके जिम्मेदार पीटीआई है जिन्होंने 35 साल हुकूमत की है, उन्हें स्टार्टअप्स क्यों लगाए? जो हुकूमतें बदल बदल गए, एक ने कहा था या जरदारी ने अपना, किसने बोला था कि हमको चाहे ला किस चौक पर लटकाएंगे घसीटेंगे, सुभाष जी का हमें आपको घसीटेंगे, आज वो इकट्ठे हो गए हैं, आज वो इकट्ठे हो गए हैं। और पिछली में PDM-1 बनाई या PDM-2 हुकूमत है उस पर ये बोल नहीं रहा, अब वो लफ्ज़ में स्किप कर गया हूँ, खान खान कर रहा है, पीटीआई कर रहा है, क्योंकि चुभती है इसको, इसको पता नहीं इसकी कोई ذاتی दुश्मनी है। यकीन करें मैं अब पूरी कोशिश में हूँ इसका मुझे कहीं से कॉन्टैक्ट मिल जाए, मैं इसको ये सवाल जरूर पूछूंगा, तुम सो कॉल्ड स्कॉलर बने हुए हो पता नहीं इंडियंस, आप इस बात के मुझे जवाब लेकर दे दें, सफर झूठता डोंट लू सच है, खान झूठा, सजा किस बात पर? इंडिया के स्टार्टअप्स मेरा और या इसकी कोई और मुद्दे में बात मैंने नहीं करनी, ये मेरा इसने BPI कर दिया आज ये बातें सुना सुनाकर, सारी वीडियो इसने PTI के खिलाफ बोल दी, भी नारे करते हैं वो करते हैं, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लगती है? नारे करना क्या गलत है? खैर इसका जवाब ताड़ साहब तक ये जगह वीडियो पहुंच जाए, चीमा साहब तक कोई बंदा पहुंचा दे, मैं भी करूंगा कोशिश उसको, ताड़ से ये मुझे पूछ कर दे कि फिर सजा किस बात पर? तुम सच्चे, तुम्हारा डॉन लू सच्चा, तुम्हारी रियासत पाकिस्तान सच्ची, फिर खान को सजा किस बात पर? दो बेघरतियां ना करो। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साहब तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।